लड़की को देख सकते हो, पूरा मचाला इसने एंड कर दिया है। कितना बचा है? हमारी नींद लगा रही है कि हम क्या कर रहे हैं। रिश्वत, पापा को रिश्वत। व्हाइट वाला है तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, हमारे पापा लेकर आए थे। कितना सुंदर खिल चुका है, और ये देखिए कितना। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं 9:15 और लावण्य तनिष जा चुके हैं स्कूल, हर्षु येरू तैयार है अभी, नहीं शायद छोड़ के आऊंगी कि ये छोड़ के आते हैं, 9:15 हो चुका है तो चलते हैं उसे। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कुछ चीज़। वाइट फूल का पेड़ कितना बड़ा हो गया और चमेली भी बड़ी हो गई है, और ये जायसून, इसमें दो कलर के जायसून हैं, मतलब दो टाइप के हैं। तो इसमें अभी एक ही फूल उगता है, 5 पत्तियों वाला, ज़्यादा पत्तियों वाला वो नहीं उगता। और ये मोगरे भी उग रहे हैं, इतनी लंबी बेल, ये देखिए गुलाब, और ये अपराजिता भी। और दिखाती हूँ एक चीज़ और जो खास कर है, ये देखिए जो गांधीनगर से लेके आई थी वो वाइट जैस्मिन, देखिए कितना खूबसूरत है। वाइट वाला है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, हमारे पापा लेकर आए थे और वहीं से एक डगा ले आई थी। तो पिछले जब मैं आई थी भोपाल से तब लगाई थी, तब उसमें फूल खिल गया है, और अजवाइन का भी है, बाकी काफ़ी सारे हैं। खासकर मुझे आपको ये वाइट फूल ही दिखाना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तो खिला नहीं है, आधा खिला है अभी, चलो वो आवाज़ दे रहा है तो मैं देखती हूँ, उसे छोड़ के आती हूँ। मैं इस साथ छोड़ने के लिए वहाँ बिठा दिया मैंने गाड़ी में, हर से को बिठा दिया गाड़ी पर, मुझे लगा मैं जल्दी आ गई। अच्छा है, चलो अब घर के कर लेते हैं, फिर रेडी होके आएंगे ब्लॉक में। अब हो पाई हूँ मैं रेडी, और घर का सारा काम कर लिया, किचन भी पूरा साफ कर दिया, खाना बन चुका है, सब के रेडी होने के बाद अब ब्लॉक में आई हूँ। अब हो गया है हर्षु का स्कूल का टाइम और चलेंगे अभी। लेकिन इससे पहले जो मैंने कल आप सुबह फूल बताया था, कितना सुंदर खिल चुका है, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है फूल खिला हुआ। और मैंने बनाई है मिर्ची तली हुई है प्याज में, और गिलकी बनाई है रोटी, थोड़ी देर से खाएंगे तो चलेंगे। फिलहाल बूंदे आ रही हैं, देखते हैं छतरी लेके जाते हैं या नहीं। मैं ब्लॉक नहीं बनाऊंगी रास्ते में क्योंकि पानी का मौसम ज़्यादा है, तो हर्षू के लेके आएंगे अभी, चलते हैं। पानी गिर रहा है, थोड़ा सा मैंने मोबाइल चालू नहीं किया, हर्षू को मैं लेके आ गई हूँ। ये देखो ड्रेस चेंज भी हो रही है, पानी बंद ही नहीं है। चड्डा साहब, चड्डा साहब, उधर पानी गिर रहा है। लावण्य तनिष भी आने वाले ही होंगे, लेकिन हाँ उनके पास तो रेनकोट है तो कोई तो दिक्कत नहीं। हाँ तो इतना ज्यादा पानी था नहीं, मतलब फुर थी। ठीक है वो लोग भी आ जाते हैं, फिर मिलते हैं। भी आ गए, चाय पी रहे हैं और कूलर चला के ओढ़ के सो रहे हैं, इतने बड़े वाले हैं इन लोग भी, देखो आप। शाम हो चुकी है, रेडी हो चुके हैं, ये कर रही है थोड़ा आराम करने के बाद अपना होमवर्क। होमवर्क कर रही हो? ओ कल टेस्ट है, मुझे पता ही नहीं था। और तनिष, तनिष खेल रहा है पता, उसको बुलाना पड़ेगा। और मैं बना रही हूँ चाय हर्षू के लिए, चाय अभी, अभी तो दूध शक्कर नहीं डाली, दूध नहीं डाला है अभी। सोच रहे हैं, लावण ने मुझसे सजेस्ट कह रही थी कि मैं कुछ बनाऊंगी, तो क्या बनाएगी उसका तो अभी तक कुछ पता ही नहीं है। तो फिलहाल तो मैंने अभी दलिया बना लिया, और अब देखो क्या बनाते हैं। खाने में तो ज्यादातर रखा हुआ है, अभी किसी ने आज ज्यादा खाना खाया नहीं था, तो क्या बनाएंगे आज? पता आज दलिया तो बन गया अभी, दलिया तो बन गया अभी, इनकी पसंद का तो दलिया बन गया अभी, है ना। ये चाय पी लेते हैं, सबका खाना पीना। और लावण्य लगा रही है अचार का मसाला, इस लड़की को देख सकते हो, पूरा मसाला इसने एंड कर दिया है। कितना बचा है? हमारी नींद लगा रही है। रिश्वत, पापा को रिश्वत। लावण्य सब रिश्वत लगा लगा के तेरी मक्खन की तरह। ये लोग सब जने खाना खा रहे हैं, और तो इसी के साथ आज का अपना ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करे, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक बाय बाय।